बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनके साथ 14 जून 2020 को हादसा हुआ, ये दिन अब सबको याद रहेगा क्योंकि इस दिन ने सभी फैंस और परिवार वालों से, उनके दोस्तों से उस शख्स को छीन लिया जो एक चमकता हुआ तारा हुआ करता था। ऐसे में जब 14 जून को हादसा हुआ तो सवाल उठ रहे थे दो एम्बुलेंस को लेकर, जहां पर मोंट ब्लैंक रेसिडेंट में के बाहर, एक्टर के घर के रेसिडेंट के बाहर दो एम्बुलेंस खड़ी थी। इसके बाद इन दो एम्बुलेंस को लेकर सवाल हुए, जहां पर अब हुआ है खुलासा एम्बुलेंस को लेकर, जहां पर आया है एम्बुलेंस के ड्राइवर का सच। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने हाल ही में दिया इंटरव्यू। बता दें कि इस एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम विशाल है, जिसने ये बताया है कि दो एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि जो पहली एम्बुलेंस सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी लेने के लिए आई थी, उस एम्बुलेंस का एक टायर खराब हो गया था जो काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद सवाल अब ये आ रहा है कि अगर एम्बुलेंस का टायर खराब था तो ऐसी खराब एम्बुलेंस हॉस्पिटल वालों ने सुशांत सिंह राजपूत के घर पर कैसे भेज दी, क्योंकि उन्हें तो ये बात साफ तौर पर पता होगी कि यहाँ पर। जिसके बाद सवाल ये आ रहा था कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हॉस्पिटल वाले ऐसी एम्बुलेंस कैसे भेज सकते हैं। इसी के साथ बात करें अक्षय बंदगर की, तो ये अक्षय बंदगर है दूसरी एम्बुलेंस का ड्राइवर, जहां पर इसी ड्राइवर ने खोला है सुशांत की बॉडी को लेकर राज। इसने कहा है कि सुशांत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल यही ड्राइवर अक्षय बंदगर लेकर गया था और इसने भी देखे थे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर और उसके गर्दन पर ऐसे निशान जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो कुछ ऐसे निशान थे उसकी टांग और उसके गले पर जिन्हें देखकर उसे भी यही झटका लगा कि कोई इंसान अगर खुद की जान ले रहा है तो उसकी बॉडी पर ऐसे निशान कैसे आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों की स्टेटमेंट के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हॉस्पिटल वाले इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि वो खराब टायर वाली एम्बुलेंस भेज दे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो दूसरी एम्बुलेंस थी उसमें ऑलरेडी एक और बॉडी पहले से ही पड़ी हुई थी और उसी बॉडी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को भी ले जाया गया। सवाल कई सारे उठ रहे हैं लेकिन अभी तक सच का पता नहीं चल पाया है। ये सच आखिर कब आएगा सामने, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ।